इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि मैंने आपको शाम को भी बताया था कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के विभाग की ओर से एक नोटिस जारी हुआ था सेकंडमेंट आधार पर अधिकारियों को दस्तावेज सत्यापन के लेकर। और तभी मैंने आपको कहा था, इससे हिंट यही लगता है कि द्वितीय चरण भी अभी आपका आने वाला है और वही नोटिस आ चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो द्वितीय चरण है इसमें टोटल कितने कैंडिडेट को शामिल किया गया है, एक दिन में कितने कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, कौन कौन सी डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और आगे के तीसरे चरण में कितने कैंडिडेट आएंगे, उनकी अपडेट जैसे ही आएगी विभाग की ओर से, सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिले। और कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इस नोटिस के बारे में, और उसके बाद मैं बात करूंगा कि कब कब है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, द्वितीय चरण में एक दिन में कितने स्टूडेंट का DV किया जाएगा, और टोटल द्वितीय चरण में कितने स्टूडेंट को शामिल किया गया है, और आगे की भी अपडेट इसी YouTube चैनल पर मैं बताता रहूंगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा ही होगा पहले भी मैंने आपको जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के DV से रिलेटेड छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट बताई है, तो आगे भी मैं आपको इसी तरह बताता रहूंगा। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 दस्तावेज सत्यापन। जैसे कि आपको मालूम है पहले चरण में 800 कैंडिडेट का दस्तावेज सत्यापन होना है। अब बात करूंगा द्वितीय चरण में कितनों को शामिल किया गया, और जिन भी अभ्यर्थी का इस लिस्ट में रोल नंबर नहीं है तो वो चिंता करने की जरूरत न हो, क्योंकि आगे की चरणें और भी बाकी हैं, उनमें आपका रोल नंबर हो जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में दिनांक 27/6/2024 को श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों के वरीयता अनुसार लगभग 2 गुना अभ्यर्थी को पात्रता जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, जैसे कि आपको मालूम है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 27 जून को जारी किया गया था, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2 गुना कैंडिडेट को, रिक्त पदों के 2 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया था। लगभग 10,500 के करीब स्टूडेंट थे। पात्रता की जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि अभी तो पात्रता की जांच की जाएगी, इसके बाद जो भी वरीयता यानी कि जो टॉप पे स्टूडेंट रहेंगे उन्हें कैटेगरी वाइज उनकी मेरिट बनाई जाएगी। और DTA की विभाग की ओर से आपको मालूम ही है वेबसाइट है वो काम नहीं कर पाती है, इस वजह से जिन भी स्टूडेंट को विभाग की ओर से कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आगे लिखा हुआ है सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य निदेशालय कोष और लेखा विभाग द्वारा चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका है, और विभाग ये है चरण वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है। विभाग द्वारा कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 में इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और मूल दस्तावेजों से सत्यापन करवाए जाने हेतु सूचित किया जाता है। यानी कि जो द्वितीय चरण के स्टूडेंट हैं जिनके रोल नंबर इस लिस्ट में हैं, वे अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक को डी ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर वित्त भवन जनपद जयपुर में निर्धारित समय और स्थान पर पात्रता की जांच हेतु विस्तृत आवेदन, सपरिनिरीक्षा फॉर्म, वांछित दस्तावेजों की सौ प्रमाणित फोटो प्रति, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और मूल दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित हुए। यानी कि नीचे जो रोल नंबर की लिस्ट दे रखी है उसमें आपको अपने रोल नंबर देखने, उसके सामने दिनांक और समय देखना है। उस दिनांक और समय में आपको डी ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर वित्त भवन जनपद जयपुर में पहुंचना है। वहां पर आपको विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म है वो, वांछित दस्तावेजों की सौ प्रमाणित फोटो प्रति फोटोकॉपी सेट, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और मूल दस्तावेज के साथ आपको उपस्थित होना है। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को इस आदेश के अलावा अलग से कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अब आपको अलग से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जिनके रोल नंबर इस लिस्ट में है वे जिस तारीख दे रखी है उस दिनांक में, तारीख और समय में अपने स्थान पर पहुंच जाए। अतः उक्त निर्धारित दिनांक और स्थान पर पात्रता जांच हेतु उपस्थित नहीं होने पर अस्थायी चयन निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए जो अस्थायी चयन किया जा रहा है वो निरस्त कर दिया जाएगा आपका, अगर आप उपस्थित नहीं हुए तो।
तिथिवार दस्तावेज सत्यापन हेतु द्वितीय चरण के अभ्यर्थियों के रोल नंबर निम्नानुसार हैं। जैसे कि आपने पहले चरण में देखे, अब आप देख सकते हैं यहाँ रोल नंबर के सामने तारीख दे रखी है, 19 सितंबर दे रखी है। 19 सितंबर यानी कि हर दिन दो शिफ्टों में होगा, एक मॉर्निंग की शिफ्ट जो कि 9:30 बजे है और एक दोपहर की शिफ्ट जो कि 2:30 बजे है। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन सी डेट में हो रहा है आप देख सकते हैं, 19 सितंबर को हो रहा है, 20 सितंबर को हो रहा है, 23 सितंबर को हो रहा है, 24 सितंबर को हो रहा है, 25 सितंबर को हो रहा है, 26 सितंबर को हो रहा है। अब 27 सितंबर को भी जिनका सीईटी एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक साथ होगा। अब इसका तो निर्णय बोर्ड ही अब लेगा, क्या करें। हो सकता है ऐसे भी कैंडिडेट हो जिनका सीईटी का एग्जाम भी हो 27 तारीख को, क्योंकि आपको मालूम है जो सीईटी का एग्जाम है वो 27 और 28 को है। अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनका नाम आया हुआ 27 को, और उसी दिन उनका सीईटी का एग्जाम भी हुआ, तो अब इस पर क्या बोर्ड निर्णय लेता है, ये जब भी अपडेट आएगी मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। 27 के बाद आप देख सकते हैं 28 को सीईटी है, लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 के बाद डायरेक्ट डेट दे रखी है 30, यानी कि आपके जो बीच में अटक रही डेट है वो सिर्फ 27 ही अटक रही है। 30 के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 1 अक्टूबर को दोनों शिफ्टों में है, यानी कि अभी तक जो डेट दे रखी है वो द्वितीय चरण में आपके शुरू हो रहे 19 सितंबर से, जिसमें 19 सितंबर, 20 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सेकंड चरण के स्टूडेंट 9 दिन का, यानी कि आप काउंट कर सकते हैं 9 दिन तक चलेगा द्वितीय चरण का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम। फिर आगे तृतीय चरण और इसी तरह चरण, मैंने पहले भी आपको इवनिंग के वीडियो में भी बताया था कि 2 महीने तो आपके डीवी में लगने ही लगने हैं। अब मैं बात करूंगा द्वितीय चरण में कितने कैंडिडेट को शामिल किया है और एक दिन में कितने स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और एक शिफ्ट में कितनों स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक शिफ्ट में जैसा कि आपने देखा होगा पहले चरण में जहाँ 100 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता था एक शिफ्ट में, वही अब आपके द्वितीय चरण में 195 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक शिफ्ट में किया जाएगा। और एक दिन में जहाँ आपके पहले चरण में 200 स्टूडेंट का डीवी लिया जाता था, वहाँ अब द्वितीय चरण में आपके एक दिन में 390 स्टूडेंट का डीवी लिया जाएगा। 9 दिन तक द्वितीय चरण चलेगा, एक दिन में 390, यानी कि द्वितीय चरण में टोटल 3510 कैंडिडेट को शामिल कर दिया गया है। अब जो बाकी के बचे, यानी कि पहले चरण के 800 स्टूडेंट, द्वितीय चरण के 3510, इसके अलावा जो बाकी के स्टूडेंट रह गए हैं उनका भी आगे की चरण में लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और वो जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी, चाहे वो विभाग की ओर से अपडेट आए या बोर्ड की ओर से अपडेट आए, जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब आगे और क्या लिखा हुआ उसके बारे में भी बता देता हूँ। पात्रता की जाँच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1, समस्त अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 20/6/2023 को जारी विज्ञापन संख्या 2 और संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 23/6/2023 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। यानी कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा का जो एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ उसका आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट पर है, अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फोरम में समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति और जमा फीस की प्रति प्रिंट कर दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने साथ में लेके आए। यानी कि जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसके साथ जो आपने पेमेंट सबमिट किया था उसका भी प्रिंट आपको लेके आना है। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने संबंधित मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज तथा स्वयं का पहचान पत्र और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक रूप से अपने साथ लेके आए। इसके अलावा अभ्यर्थी अपना ई आधार डाउनलोड कर जिसमें QR कोड अंकित हो के प्रति आवश्यक रूप से, यानी कि आपको आधार कार्ड वो लेके आना है जिसमें आपके QR कोड शो होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर है, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति भी संलग्न करें।
अभ्यर्थी समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी ग्रेजुएशन 2022 में प्राप्त अंक तालिका के प्रति आवश्यक रूप से साथ में लेके आए, यानी कि जो स्कोर कार्ड है सीईटी का वो आपको साथ में लेके आना है, और उसे डाउनलोड करने के लिए उक्त प्रति अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो एसएसओ आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया, वे अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुष्टि प्रविष्टिया कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए, यानी कि जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है वे अभ्यर्थी अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर जाके फॉर्म डाउनलोड करें और उस फॉर्म का प्रिंट निकालकर समुचित प्रविष्टियाँ करके 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर करवा कर दस्तावेज सत्यापन हेतु आप लेके आवे। लास्ट पॉइंट है, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता कि वे दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित दिनांकों कमरा नंबर 62 स्वाई मान सिंह चिकित्सालय जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर आवश्यक मेडिकल जांच करवाकर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित हुए, यानी कि जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है उनके लिए जो जगह दे रखी है वहाँ पर उनको उपस्थित होकर मेडिकल जांच करवाकर ही आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। तो ये थे आपके इंस्ट्रक्शन और किन किन अभ्यर्थियों का लिस्ट में नाम था उसके बारे में जानकारी दी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के डीवी से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी।